रेलवे मिनिस्टर अश्विनी अशोक जी बहुत खुश होते हैं जब वो हम सभी को ये बताते हैं कि बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन कितना ज्यादा अलग है, काफी कुछ नया है, टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा हटके है और इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को हम जापान से भारत ला रहे हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पर अश्विनी वैष्णव जी का एक शॉट दिखाती हूँ जिसमें अश्विनी वैष्णव जी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। हाल ही में ये जापान गए थे, इन्होंने बुलेट ट्रेन में ट्रैवल भी किया और काफ़ी सारी पिक्स भी क्लिक करी। और अब बात कर लेते हैं भारत में बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन की, तो इसका कंस्ट्रक्शन तो किया ही जा रहा है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का टेंडर भी इशू किया जा चुका है और अब खबर निकल कर आ रही है कि इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और ये ट्रैक कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे क्योंकि इस ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। इसीलिए 1000 भारतीय इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जापानीज एक्सपर्ट ट्रेनर्स द्वारा। इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने में अब भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स महारत दिखाएंगे। दरअसल भारत में पहली बार ब्लास्टलेस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर हमारी पहली बुलेट ट्रेन हवा से बात करेगी। ये टेक्नोलॉजी जापानीज शिंकांशन हाई स्पीड रेल में यूज किए जाने वाली है और अब भारत भी पहली बार हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए इस ब्लास्टलेस ट्रैक को यूज करेगा। और इस तरह के ट्रैक का यूज बुलेट ट्रेन के साथ साथ फ्यूचर में जो हमें वंदे भारत ट्रेनें दौड़ानी है 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इन ट्रेनों के लिए भी इस तरह के ब्लास्टलेस ट्रैक को यूज किया जा सकता है। सो जापान ने हमें काफी कुछ सिखाया है, काफी सारी नई टेक्नोलॉजी हमें बताई है और अब हम इन नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नई रेलवे का इतिहास रचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे और भी नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। टिल देन गुड बाय।